टूडेल मीट ऑल ऑफ यू टू मिस्टर अमित नाथ द यंगेस्ट कंप्यूटर टीचर ऑफ आवर बोराक वेली एंड ही बेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंडलाइट जिसके तरह बहुत अच्छे से कंप्यूटर कोर्स है जैसे आई डीआईटी, डी आई टी टेली डीसीए एडीसीएमडीसीए आई आई एम डॉम ये सारे कोर्सेस ऑफर करते हैं और साथ में बहुत सारे प्रोफेसनल कोर्सेस जैसे पीजी डीसीए पी सारे कोर्सेज भी ऑफर करते हैं और यह जो इंस्टीट्यूट है ये गोफ्ट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है इसके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं सर्टिफिकेट सारे गॉफ्ट जॉब के लिए एलिजिबल होंगे और यह गॉफ्ट रजिस्टर्ड ट्रस्ट इंस्टीट्यूट है गूगल में जाके भी आप चेक कर सकते हो सो स्टूडेंट्स यहाँ

फर्स्ट आप लोग के सिक्स के रिजल्ट्स को लेके एक इंटरनल अपडेट आई है और सेकंड जो है सेकंड है जो एब्सेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो एब्सेंट दिए थे और फाउंड एरर थे रिजल्ट्स सो उसको लेके बात करेंगे सो so, दो इंटरनल अपडेट्स मुझे मिली है तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दू इसे लेके आप लोग बहुत कंफ्यूज थे और जिनके एब्सेंस आए हैं सो so, क्यों ना उसको लेके इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ा क्लियर कर दू सो so, स्टूडेंट्स आप लोग को क्या करना है हर बार की तरह वीडियो में अंत तक बने चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं

फिर सीबीसीएस के रिजल्ट्स को लेके यूनिवर्सिटी तैयारी करेगी ऑनलाइन पोर्टल में आप लोगों के रिजल्ट्स आएंगे सो जो मार्क्स पैटर्न है मार्क्स पैटर्न ऑलरेडी उर्ण यूनिवर्सिटी के पास जा चुकी है कॉलेज की तरफ से बट सिर्फ सिक्स सेम के मार्क्स गए सेकंड सेम और फोर्थ सेम के नहीं सिर्फ सिक्स सेम के मार्क्स गए बट यूनिवर्सिटी को उसको कंप्लीट मार्क्स मार्क्सशीट में कन्वर्ट करके मार्क्स मार्क्सॉल को कंप्लीट कन्वर्ट करके फिर मार्क्सशीट बनाना पड़ेगा उसके बाद ही ऑनलाइन अपलोड करेंगे सो so, उसके लिए यूनिवर्सिटी को जो तो 10 से 15 दिन का समय लगेगा तो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो अपडेट्स मिली है आफ्टर 15 नवंबर आप लोगों के जो रिजल्ट होंगे रिजल्ट आउट होंगे और टेंशन लेने वाली बात यह नहीं की पीजी का थर्टीन नवंबर कहा गया सो बिफोर थर्टीन नवंबर ही आपके रिजल्ट आ जाएंगे और आपको थर्टी नवंबर में भी जिन्होंने अप्लाई की है पीजी के लिए एपीआर दिखा के आप लोगों ने अप्लाई की है आप लोग थर्टी नवंबर को मार्कशीट वेरिफिकेशन हो सकते हैं सो आफ्टर फिफ्टीन नवंबर आप लोग के रिजल्ट आने के ज्यादातर होपे सो so, होपफुली नॉन सीबीसीएस के रिजल्ट जब अपलोड हो जाएंगे उसके बाद सीबीसीएस को लेकर वो कंटिन्यू करेंगे यूनिवर्सिटी एंड दूसरे जो अपडेट एबसेंट्स को लेकर सो एक्चुअली ये रीजन क्या हुआ था बहुत सारे कॉलेज से जो इंटरनल मार्क्स गए थे थोड़े तो डिले हो गए थे जिस वजह से उन सब्जेक्ट्सों में एबसेंट कर दी गई थी सो so ये भी नॉन सीबीसी के रिजल्ट्स आउट होने के बाद ये भी डील किए जाएंगे बहुत सारे कॉलेज के तरफ से जो कम्प्लेन फॉर्म है कम्प्लेन फॉर्म यूनिवर्सिटी को भेज दी गई है जिन जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स हुए थे मैंने भी वीडियोस में आप लोग को कहा था कि आप लोग अपने प्रिंसिपल सर के कॉलेज के प्रिंसिपल सर को एप्लीकेशन लिख के रखिए आपके जो प्रॉब्लम्स हुए थे और बहुत सारे कॉलेज ने जो गूगल फॉर्म भी रिलीज किए थे जिसके थ्रो कंप्लेन फॉर्म भी, so, भी जाएगी और जो प्रॉब्लम हुए थे, थे मार्क्सिट्स को लेकर इसको डील ले की जाएगी सो ये तो इंटरनल अपडेट सीबीसीएस के स्टूडेंट के लिए मिली थी मुझे सोचा कि नो वीडियो के थ्रो जल्द से जल्द आप लोग को ये शेयर कर दो सो so, आप लोग वेट करिए नॉन सीबीसी के रिजल्ट्स रिजल्ट्स तक उसके बाद आप के को लेकर डील की जाएगी सो so, फ्रेंड्स जब भी ऐसे अपडेट्स मिलेंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और टेलीग्राम चैनल के लिंक भी दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जल्द से जल्द वो ज्वाइन कर लीजिए उसमें भी बहुत सारे अपडेट्स जो आते हैं मैं शेयर करके रख देता हूँ और नोटिस भी उसमें शेयर कर देता हूं so, जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और ऐसे अपडेट्स के स्टूडेंट्स मेरे साथ बने रहिए हमारे चैनल के साथ जुड़े सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी